सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ को हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा अनेक सौगातें दी गई है। एडीएम कार्यालय शुरू किए जाने, आरओबी स्वीकृत करने जैसे बड़े कार्यों के होने के बाद आम जनता में खुशी की लहर है। शहर के अनेक सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से स्वर्गीय मंत्री मास्टर भवनलाल मेघवाल के पुत्र एडवोकेट मनोज मेघवाल का 13वां सभा भवन में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर की 50 से अधिक संस्थाओं के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने एडवोकेट मनोज मेघवाल को प्रतीक चिन्ह, साफा, गुलदस्ते आदि भेंट करके अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र किसान रहे, जहां किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों लोगों के बीच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता चौसांगी लिए हुए कार्यक्रम स्थल में पहुंचे और एडवोकेट मनोज मेघवाल का अभिनंदन किया। इस दौरान बनवारी लाल बिजाणिया, तेजपाल गोदारा, रामनारायण रुलाणिया, लालू राम बिजाणिया, महबूब बड़गुजर, पिताराम जानी, रामकुमार मेघवाल एडवोकेट सहित अनेक किसान आए और किसानों का साथ दिए जाने का वादा एडवोकेट मनोज मेघवाल से लिया। संचालन कर रही सविता राठी ने बताया कि कार्यक्रम में एडवोकेट निरंजन सोनी, भंवरलाल पुजारी, सभापति नीलोफर गोरी, डूंगर राम गेदर, कुशाल जाजोदिया, नवनियुक्त एडीएम अनिल कुमार महला आदि लोग मंचस्थ रहे। वहीं कार्यक्रम में एडवोकेट मनोज मेघवाल ने कहा कि जनता ने जो मान सम्मान उनको दिया है उससे उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है और जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए विकास यात्रा को अनवरत जारी रखने का प्रयास करूंगा। कार्यक्रम में सुजला मां सत्याग्रह समिति की ओर से श्रीराम भामा, किशोरदास स्वामी, पिताराम जानी, प्रदीप टाक, विनय प्रजापत, शेखावाटी सैनी समाज सेवा संस्थान की ओर से बाबूलाल कारोड़िया, विक्रम सिंह चौकदार ने, जाट महासभा की ओर से छोटराम खिचड़, लक्ष्मण गोदारा, रामलाल निठारवाल, नेमीचंद गुलेरिया, हितेश जाखड़, भगवाना राम बिजाणिया, मनोज गुलेरिया आदि ने कायम खानी समाज की ओर से पार्षद इकबाल खान बबलू, फिरू खान, रणजीत खान, सेजू खान, आरिफ मनसब, इमरान फतनान आदि लोगों ने स्वागत किया। वहीं दी लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एडवोकेट निरंजन सोनी, डॉक्टर एस के छाबड़ा, किशोर कटोतिया, विजय गोयल, गार्गी ग्रुप की ओर से रितम मुंद्रा, मधु सोमाणी, शशि लड़ा, सरिता जाजू, सुधा मलानी, प्रमिला राठी, माहेश्वरी समाज की ओर से राजाराम छापरवाल, ओम प्रकाश लावटी, महेश सोमाणी, पवन मुंद्रा, किराना एवं खाद्य व्यापार संघ की ओर से दिनेश पंसारी, विष्णु अरोड़ा, गोपाल प्रजापत, तेरापंत महिला मंडल की ओर से मधु बागरेचा, मंत्री रेखा राखेचा, सुमन चोरडिया, अरुणा कुंडलिया, कुसुम भुतोड़िया, सुखराज वेद, निशा डोसी, संपत कोठारी, संतोष डोसी, सज्जन बोकड़िया ने, रेलवे बस स्टैंड व्यापार संघ की ओर से दिनेश पिपुला, जगदीश सिंह, प्रदीप डाक आदि ने, सुजलांचल विकास मंच की ओर से महावीर पाटनी, उषा बगड़ा, लालचंद बगड़ा, नियालचंद बगड़ा, मंगतु घोसी ने, दिगंबर जैन समाज परिवार, ओसवाल समाज परिवार की ओर से भी अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार नारी शक्ति संस्थान की ओर से मधु बागरेचा, उषा बगड़ा, योगिता सक्सेना, सरोज सोनी, रूपा प्रजापत, यंग्स क्लब की ओर से दानमल भोजक, कुणाल सोनी, मेघवाल समाज, गांधी बस्ती की ओर से रेखाराम, किवाराम, ओंकाराम, समुदयाल आदि ने स्वागत किया। महावीर इंटरनेशनल की ओर से विजय किसान, एडवोकेट निरंजन सोनी, कपिल माटा ने, स्वामी समाज की ओर से पुसादास स्वामी, रामेश्वर लाल, महावीर दास आदि ने, श्री कृष्ण गो सेवा समिति की ओर से जयप्रकाश, कमेटी लील ग्रान की ओर से भी अभिनंदन किया गया। सब्जी प्रो समाज की ओर से शकूर मदन, खुर्शीद चौका सलीम आदि ने, तेलियान समाज की ओर से रफीक किची, जावेद किची, आरिफ भाटी, जुलकर पड़िया, सलीम चौहान, अब्दुल कासिम पार्षद, मुख्तियार खिची, ठेकेदार एसोसिएशन की ओर से छत्रनारायण प्रजापत व अन्य लोगों ने, टेंट एसोसिएशन की ओर से सिकंदर अली खिलजी, सीताराम रांकावत, विजय गोयल आदि लोगों ने, सेन समाज की ओर से भी अभिनंदन किया गया। संगीत साधना संस्थान की ओर से मुकेश रावतानी, सुनीता रावतानी, शंकर आदि ने, मरुदेश संस्थान की ओर से घनश्यामनाथ कछावा, लालचंद बेदी, सुमने शर्मा आदि लोगों ने, मारवाड़ी युवा मंच की ओर से योगिता सक्सेना, पद्मा चौधरी, अनुपमा आदि ने, सिंधी समाज की ओर से नरेश जगवानी, चंद्रभान आदि लोगों ने, सुखशेम फाउंडेशन की ओर से भी अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार मुस्लिम चिंपा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से मोहसिन खालिद गोरी, मुंशी चौहान, रावणा राजपूत समाज की ओर से केसर सिंह राजिया सर, महेंद्र सिंह तेजाजी, नवयुवक संगठन वेंकटेश्वर फाउंडेशन आदि द्वारा भी स्वागत किया गया। मानव सेवा संस्थान की ओर से माणक सराब, रणजीत सिंह सिंघी, फल व सब्जी एसोसिएशन की ओर से मुंशी पंवार, बिकम चंद, इब्राहिम पंवार, कासिम, हरीश रावतानी आदि ने, भार्गव समाज की ओर से जगदीश प्रसाद भार्गव, गोपाल कृष्ण ने, केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से माणक चंद खेतान, बजरंगलाल, बाबूलाल माली, शंकरलाल स्वामी, रेवतराम सारण आदि ने, निजी शिक्षण संस्थान संघ की ओर से मनोज मित्तल, मास्टर दाऊद काजी, रामदास गुज्जर, भागीरथ प्रचार, रतन सेन, वाल्मीकि तरुण संघ की ओर से संजय आर्य, विजय कुमार, गंगाधर बारवासा आदि ने, इसी प्रकार लैब
एसोसिएशन की ओर से जांगिड़ समाज सेठ चिमनीराम जाजोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान सार्वजनिक वितरण प्रणाली संघ मसाणिया भैरव धाम के भक्त मंडल की ओर से सतीश टूंकवाल व अन्य लोगों ने अभिनंदन किया। वहीं कार्यक्रम में अनेक सामाजिक स्वयंसेवी और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। शहर की जो ये संस्थाएं अभिनंदन कर रही हैं, ये प्रोग्राम मार्च में रखा गया था जब बजट में घोषणा हुई थी सुजानगढ़ में अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय खुलेगा, पर कोरोना काल की वजह से वो स्थगित हो गया था। पर आज पदभार उसके बाद में आज ही ग्रहण कर रहे हैं नए एडीएम जो हैं। कोरोना काल और उसके बाद में कुछ कारणों से पदभार नए एडीएम की पोस्टिंग हो नहीं पाई थी, वित्तीय स्वीकृति आई नहीं थी, उसके बाद में अब वित्तीय स्वीकृति आने के बाद में कार्यालय खुल गया और एडीएम की पोस्टिंग हो गई। आज सुबह 10:15 बजे एडीएम साहब ने पदभार ग्रहण कर लिया, इसलिए संस्थाओं ने जो उस समय वो रखा था आज सबके मन में खुशी थी कि नए जब एडीएम आ रहे हैं तो उनका भी सम्मान किया जाए और मंत्री जी का जो उस समय सम्मान उन्होंने कार्यक्रम रखा गया था वो स्थगित कर दिया गया था, पर उन्होंने कहा कि आज आप भी पधारें तो उनके आग्रह पर मैं आज यहाँ आया। उन्होंने मेरा भी बहुत सम्मान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एडीएम साहब चूँकि आज राज्यपाल महोदय का अपने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निजी कार्यक्रम था सालासर में, इसकी वजह से वो वहाँ गए हुए थे, जल्दी ही आने वाले हैं, जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आज रखा गया। चुनाव में तो जनता से ये अपील रही कि जिस तरह से विकास यहाँ मेरे पिताजी मंत्री जी ने किया है वो तो नहीं रहे, पर अब जो उपचुनाव रहा है एक बार फिर उसी तरह ये विकास की यात्रा चलती रहे, इसलिए ज़रूरी है जिस तरह से अशोक जी गहलोत का स्नेह है एक बार फिर उपचुनाव में कांग्रेस को जिता कर भिजवाएँ, कांग्रेस का विधायक चुनकर विधानसभा में भेजें ताकि ये विकास की यात्रा ऐसे ही चलती रहे।